ओके हम लोग अभी और एक गतिविधि करने जा रहे हैं। दो TLM हमारे पास हैं, एक हमारे मंगल जी के पास और एक ललित जी के पास। इस TLM का प्रयोग हम क्यों करेंगे? इनिशियल और फाइनल साउंड को जानने के लिए। दोनों TLM आप देख रहे हैं जो मंगल जी के पास है, उसमें शुरू में ब्लैंक है, खाली स्थान है, और बाद में कुछ लेटर लिखे हुए हैं। यानी इसमें इनिशियल साउंड क्या होगा आपको पता नहीं है, लेकिन फाइनल साउंड क्या होगा पता है। हम इसमें कोई भी मीनिंगफुल लेटर डाल के मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। इसी तरह इनके पास जो है क्लूज, इनके पास जो ललित जी के पास है, इनको इनिशियल साउंड मालूम है, फाइनल साउंड क्या होगा नहीं मालूम है। तो ये ब्लैंक्स में फाइनल साउंड के लिए कुछ लेटर डालेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो आप देख रहे हैं जो स्लेट्स, और उसके बाद जो पेन है मार्कर। और इसको करने से क्या फायदे होंगे? इसको करने से फायदे होंगे टू फैसिलिटेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टू डेवलप द फोनेमिक अवेयरनेस, टू इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी, टू फैसिलिटेट द एप्रिसिएशन ऑफ साउंड्स, एंड टू इंप्रूव द प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करें। शुरू करने के पहले दोनों के लिए जोरदार तालियां। अब बारी है ये नटखट बच्चा मंगल जी की। आपको मैं मार्कर दे रहा हूं और हमारे जो अप्रोपोल है और इशाका भगत जी, जी है ना, क्या है आपने क्या क्या लिखा पढ़ के सुनो। आइस, लेक, कूल एंड लुक। चलिए ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। सही नमस्कार, बिल्कुल सही। अब हम ललित जी की ओर आते हैं। ये जो है फाइनल साउंड बनाएंगे।